जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो यहाँ वर्णन चल रहा था, कितना भी पाप मस्तक पर हो, एक बेलपत्र जब हम देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जल जब शंकर भगवान पर चढ़ता है, बेलपत्र छुआ हुआ वो जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल वो जब थोड़ा सा लेकर अपने ऊपर थोड़ा सा छीट लेते हैं या आचमन करते हैं, वो जल बेलपत्री के स्पर्श का होता है। देवराज के मस्तक पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव आती है और देवराज तुरंत शिव के धाम चले जाते हैं। और हम प्रतिदिन अगर बेलपत्री के जल का थोड़ा सा भाग अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो कई रोगों से हमारी मुक्ति हो जाती है, रोग हमारे नजदीक नहीं आते, रोग हमारे करीब नहीं आते। अष्ट विनायक में एक विनायक सबसे प्रबल विनायक, अष्ट विनायक में सबसे प्रबल। जहां के वृक्ष भी मोर का रूप लेकर आवाज लगाते हैं शिव जी को, जहां की नदी सिंधुरासुर असुर के कारण करहा रही है, तो उस नदी का नाम भी करहा पड़ गया। ऐसे देव अधिदेव महादेव, ऐसे मेरे शिव, ऐसे मेरे ओघड़ी, शंकर की पवित्र पावन भूमि मयूरेश्वर महादेव, भगवान श्री मयूरेश्वर गणेश विनायक, अष्ट विनायक में एक विनायक। हजारों बेलपत्री के वृक्ष थे, हजारों बेलपत्री के वृक्ष मोरगांव के अंदर, हजारों, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, या उसने आंगन में या घर में बेलपत्र ना लगाई हो, किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, बगीचे में, बाग में, सरोवर के तट पर, बावड़ी के तट पर, जंगल में, कहीं किसी स्थान पर अपने जीते जी अगर उसने एक बेलपत्री का पौधा लगाया होता है, शिव जी कहते हैं उस जीव का दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो शिव धाम को चला जाता, शिव धाम को। कुछ पुण्य करते चलो अपनी जिंदगी का, कुछ अच्छा कर्म करते चलो अपने जीवन का। आप लोग अगर शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हो, हम आपसे कहते हैं कि दो पानी की बोतल लेकर आना, अपना साथ कुछ शिव भक्तों का मुंह झूठा कराने का लेकर आना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि मिला मौका, अपने नगर में अगर कोई आया है तो भूखा ना रहे, एक बिस्कुट का पुड़ा ही दे देना भले, एक टॉफी दे देना, पर मुंह झूठा जरूर। आज एक और बात कहेंगे, इस बारिश के मौसम में अगर कथा सुनने आओ तो छाते भी दो लेकर आओ,